वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड में पहुंचने के लिए ये वाला वॉर जो होने वाला है हमें हर हाल में जीतना पड़ेगा। हार गए तो भाई नेक्स्ट स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे और यहाँ पे गोल्डन टिकट का सफर हमारा खतरे में आ सकता है। तो भाई पूरी कोशिश की जाएगी 100% 200% देने की, आप लोग भी पूरी कोशिश करना। और भाई चैनल में पहली बार आए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक दो। अपोनेंट को ठोकने का काम या कोशिश हम करते हैं। चलो अब पहला अटैक करने का डाइस कह रहा हूँ गाइस, डिसीजन लिया है हमने आपकी फरमाइश पे। इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक करने के लिए हम चल पड़े और टाउन हॉल की अपोजिट साइड से कर रहा हूँ। थोड़ा पीछे रह गए हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, सेहत के लिए ठीक नहीं है उनकी ये सब। जल्द से जल्द मोनोलिथ को निकालना मेरा टारगेट है। क्वीन देखो मेरी कहां फंसी हुई है, दीवार तोड़ रही है बेवकूफ औरत, ऐसी पगलेट क्वीन। मोनोलिथ आएगा तभी टीएच आएगा। चलो मोनोलिथ आ गया, टीएच आ गया, आधी टेंशन खत्म गाइस। एक ही मिनट का टाइम हुआ है, क्वीन मरने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलेटन लगा दिया हमने, रेज लगा दी है, पॉइजन हमारे पास है। एक मिनट 50 सेकंड का टाइम हमारे पास है। किंग की एबिलिटी हमारे पास है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी हमारे पास है और QBE मूड का मूड खराब करके ट्रिपल यहां पे जड़ दिया जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया बेचता भाई आपका रेज टावर वाला, पर काम नहीं आया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, 1.5 मिनट में होना चाहिए था। ट्रिपल आ रही है, नेक्स्ट अटैकर हमारे टिक भाई साहब सैप रूट राइडर के साथ QBE ली फी। अपोनेंट का नाम है, अजीब सा नाम है। एक आइस गोलम आया है, अरे 3 आइस गोलम, कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई ये? नहीं मतलब कि कुछ ज्यादा ही नहीं हो, अरे भाई 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 भाई, इतने सारे कहां से आए? चलो सीसी टेक डाउन हो गया, टाउन हॉल टेक डाउन हो गया, मोनोलिथ टेक डाउन हो गया है, फ्लिंगर अभी भी लगा हुआ है, क्वीन आ चुकी है, ऑर्डन की एबिलिटी आ चुकी है, किंग 0 HP पे चल रहा है लेकिन मरा नहीं है अभी तक। नहीं मर चुका है, फिनिक्स बार आ चुका है, किंग मर चुका है यार। कितना प्यारा किंग था गाइस, पर अब वो दुनिया में नहीं रहा। रूट राइडर और होग राइडर्स टेक डाउन करने में लगे हुए हैं, कंपार्टमेंट्स को। एक फ्रीज लगाई है, इनके पास एबिलिटी जो थी उसको दबा दिया है, फ्लिंगर अभी भी नहीं फटा है। कमाल का फ्लिंगर है भाई, ऐसा फ्लिंगर मुझे भी दो जो फटे ही ना और बस बेस को टेक डाउन करता ही रहे। क्या ये फ्लिंगर को सेफ करके ले जा पाएंगे, क्या सीसी को बचा पाएंगे? आइए, बिल्कुल ले गया भाई। पाताल लोक से आकाश भाई साहब, आकाश भाई साहब आकाश से पाताल लोक पे उतरे। यस ये सही है, विन चार्ज रूट राइडर्स। ये एक ऐसी अटैक स्ट्रेटजी है जिसका इटरेट अच्छा है पर टाइम कंज्यूमिंग है, और भाई यहाँ पे समय का फेर बड़ा उलट फेर कर देता है। कि टाउन हॉल 15 पे ऐसा हुआ करता था कि आप 12 स्टार मार दो, 13 स्टार मार दो, आप जीत जाओगे। टाउन हॉल 16 पे ऐसा है कि आप 15 स्टार मार के भी इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि आप जीत जाओगे।
क्योंकि अपोनेंट अगर रफ्तार से पेलने पे आपको आ गया तो फिर आपका समय खराब है दोस्त। विजन लगा दिए, फ्रीज लगा दिए, क्वीन को नहीं मरने देना चाहते किसी भी हालात में, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं क्वीन के साथ, दो वॉल ब्रेकर अभी भी बचा के रखे हुए हैं, वॉल ब्रेकर चल दिया है, फ्रीज लगा दिए, वॉल ब्रेकर फेल नहीं होना चाहिए, नहीं फेल हुआ है, कुछ वल्करीज आई हैं बाहर की तरफ रास्ता तैयार कर रही हैं, वो रूट राइडर्स आ चुके हैं, रॉयल चैंपियन को मारने को गई और पॉइजन टावर निकाल लिया वल्करी ने, ये बढ़िया बात है भाई। अब रॉयल चैंपियन मरे या ना मरे पर पॉइजन टावर एक्टिवेट हो चुका है और रॉयल तीन वल्करीज ने रॉयल चैंपियन मार दी, वो भी पॉइजन के अंदर। दैट इज अ वेरी वेरी बिग, क्या बोलेंगे उसे, अचीवमेंट। ये तो कमाल की बात है, ये हमें काफी अच्छा लगा। गुरु वार्डन एबिलिटी है नहीं, उल्ट्राइडर पॉइजन में जा रहे हैं, रॉयल चैंपियन भागी भागी घूम रही है इधर से उधर। इन यहां पे अभी भी एबिलिटी में है भाई, आखिरी पलों में ये अटैक चल रहा है। क्वीन के पास एबिलिटी अभी भी है, किंग की एबिलिटी लगा दी है, 36 सेकंड का टाइम है, क्या ये अटैक टाइम फेल हो जाएगा। फ्रीज लगा दी है, नहीं चाहते हैं कि फेल हो, लेकिन विजिबल अभी भी बचा के रखी है। रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी अभी भी है जिसको दबा दिया है और ये गई धन 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 धना धन धन इनविजिबल को स्वैग करके, बहुत सारा टाइम लेके ट्रिपल जड़ दिया। आए हैं मार्केट में 1P0 भाई साहब, कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं ले गया जैप के साथ, मोनोलिथ ले गया, एक इन्फर्नो ले गया, एक कुछ तो लेके गया, याद नहीं आ रहा कि चौथी चीज क्या लेके गया। चार बिल्डिंग ले गया पर बढ़िया बढ़िया। क्वीन, किंग, आइस गोलम, जा रहे हैं धीरे धीरे स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट की तरफ। एक और वॉल ब्रेकर आ रहा है जिसने बहुत ही जबरदस्त वॉल ब्रेक कर दिया, हर एक कंपार्टमेंट वॉकेबल कर दिया हीरोज के लिए। यहां से वो टीएच में भी जा सकते हैं, साइड में भी घूम सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं, पर आइस गोलम उनको किधर भी नहीं जाने दे रहे हैं और रिकोशेट कैनन क्वीन को भी मारने में लगी हुई है। किंग मर चुका है, वार्डन एबिलिटी आ चुकी है, फ्रीज आ चुकी है, टीएच टेक डाउन किया जाएगा यहां पे। क्वीन अभी भी जिंदा है, अपोनेंट का किंग चलो मर गया है, रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी है, अच्छा खासा टाइम लग रहा है इस अटैक में, 1.5 मिनट लग चुके हैं, फ्रीज लगा दी गई है, एक और फ्रीज लगा दी गई है। आरसी के पास एबिलिटी है और वन प्रो किंग का लठ बजाओ प्रतियोगिता में रिमांड अभी भी चालू है, यह बंदा फेल नहीं करता है, ये बात तो पक्की है। द फाइनल अटैक, बीके मुसीताफा, सुपर बॉलर्स लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा फास्ट अटैक नहीं होता है सुपर बॉलर्स के साथ, पर कभी कभी 1.5 मिनट के अंदर भी बेस को उधेड़ के रख देता है मुस्तफा, ये हमने देखा है। 30 सेकंड तक वॉर्डन वॉक करेगा और अगले 1 मिनट में ट्रिपल, ऐसे मारता है कई बार अटैक। क्या उस तरह का कुछ हिसाब किताब आज दिखा पाएंगे या यहां पर अटैक फेल कर जाएंगे,
चार में 12 मार चुके हैं, अपोनेंट अटैक करने में अभी भी लगे हुए हैं, उनके अटैक की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है अपने अटैक के ऊपर, क्योंकि उनको जितने ट्रिपल मारने वो तो मारेंगे ही ना, हमें तो अपने देखने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। बॉलर आ गए हैं, किंग आ गया है, फ्लेम फ्लिंगर आ गया है, और सॉरी लोग लुगाई लॉन्चर है, बॉल ब्रेक नहीं हुई है, बॉलर बाहर ना चले जाए, एक बॉलर बाहर जा रहा है, हाँ बाहर चला गया भाई, एक बॉलर किंग के साथ वॉर्डन एबिलिटी लगा दी है, रॉयल चैंपियन भी आ चुकी है, बॉलर फंस करके रह गए हैं यहीं पे, एक ही बॉलर बचा है, क्या ये एक बॉलर अकेला ही चना फोड़ देगा, झाड़ को तोड़ देगा, आइए देखते हैं। मर गया वो एक बॉलर भी, लेकिन एक्सबो को लेकर मरा है, क्वीन यहां पे हर चीज क्वीन के लिए वोकेबल है, स्कैटर शॉट भी, दोनों एक्सबो भी, रॉयल चैंपियन धीरे धीरे टाउन हॉल कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही है, आरसी की एबिलिटी लगा दी गई है, टीएच को फ्रीज किया गया है, किंग अभी भी जिंदा है, एक मिनट का टाइम यहां पे बचा हुआ है, देख करके तो लग रहा है कि 15 स्टार मार दिए गए हैं अपोनेंट को, अब इससे ज्यादा तो क्या ही मारे यार किसी को, पर समय यहां पे लिया गया है इस अटैक में, मतलब अंडर 2 मिनट के अंदर तो कम से कम मारना ही चाहिए ट्रिपल आज की डेट में जो सिनारियो चल रहा है। फिलहाल वॉर स्कोर देख लेते हैं, 15 हमने मार दिए, अपोनेंट ने 4 में 9 मारे हैं, बेसिस हमारे तगड़ा काम कर रही है, हारने का कोई स्कोप मेरे को यहां से तो नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, बिल्कुल जीत जाएंगे यहां से और वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड में हम यहां पे क्वालिफाई कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी, बाय।